वेल जो नेक्स्ट हम इडियम एंड फ्रेज की सीरीज के अंदर आगे बढ़ रहे हैं वो देखते हैं कौन कौन से हमारे पास आगे नए इडियम एंड फ्रेजेस है। पहला हमारा इडियम एंड फ्रेज है इस वीडियो के अंदर टू सेट द बेट। बेट का मतलब होता है जाल, फंसाना किसी को। बेट वर्ड का मतलब है जाल, और टू सेट द बेट का मतलब होता है जाल बनाना, जाल बुनना, फंसाने के लिए, तो इसको बोलते हैं जाल बिछाना। द पुलिस सेट द बेट टू अरेस्ट द क्रिमिनल। नेक्स्ट हमारा वर्ड है टू कीप द बॉल रोलिंग। देखो बॉल का मतलब होता है जैसे इमेजिन करो कि कोई पहाड़ है और इसके ऊपर से बॉल नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, तो ये क्या है, बॉल रोल कर रही है, तो लगातार चल रही है। लगातार किसी काम को बनाए रखने को हम बोलते हैं टू कीप द बॉल रोलिंग। जब आप किसी काम को लगातार करते रहते हो, बनाए रखते हो, प्रैक्टिस करते रहते हो, तो यू कीप द बॉल रोलिंग, आगे बढ़ते रहना, कार्य जारी रखना, इसको बोलते हैं टू कीप द बॉल रोलिंग। ओन द बॉल, ओन द बॉल को याद करने का तरीका क्या है, देखो इमेजिन करो ये कोई बॉल है और इस बॉल के ऊपर इमेजिन करो कि कोई बैठा हुआ है, तो देखो बॉल के ऊपर बैठना बहुत मुश्किल काम है कि बॉल तो घूमती रहेगी, बॉल कभी इधर जाएगी कभी उधर जाएगी, तो इस बंदे को बहुत अटेंटिव रहना पड़ेगा। तो अगर कोई बॉल के ऊपर बैठता है तो बहुत अटेंटिव होता है, तो ऑन द बॉल का मतलब होता है अलर्ट, कॉम्पिटेंट, चौकन्ना, योग्य, तो ऑन द बॉल का मतलब चौकन्ना। द न्यू पुलिस इंस्पेक्टर इज रियली ऑन द बॉल, सतर्क है यानी कि चौकन्ना है। नेक्स्ट हमारा है टू हैव द बॉल एट वन्स फीट। देखो बॉल का यहाँ पर मतलब है लक्ष्य। देखो टू हैव द बॉल एट वन फीट का यहाँ पर बॉल का मतलब है लक्ष्य, सक्सेस। एट वन फीट, फीट का मतलब होता है पाँव, यानी कि सक्सेस आपके पाँव में है, तो टू हैव द बॉल एट वन फीट का मतलब होता है कि आप तरक्की के रास्ते पे हो, आप सक्सेस के रास्ते पे हो, इस बात को बोलते हैं टू हैव द बॉल एट वन फीट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है टू क्लाइंब, जंप ऑन द बैंड वेगॉन। इसका मतलब देखते हैं क्या है। आगे हम इस सीरीज के अंदर पढ़ रहे हैं, देखो पहला हमारा जो आगे हमारा वीडियो के अंदर है इट इज अ पिक ऑफ द बास्केट। मीन्स इमेजिन करो कोई बास्केट है, उसके अंदर बड़े सारे फल पड़े हुए हैं, बहुत सारे फ्रूट्स पड़े हुए हैं, लेकिन एक फ्रूट क्या सबसे बढ़िया है, बेस्ट है, तो आप इस फ्रूट को बोलोगे पिक ऑफ द बास्केट, सबसे बढ़िया वो बोलते हैं पिक ऑफ द बास्केट। नेक्स्ट है टू हैव अ बैश एट। बैश का मतलब होता है प्रयास, एफर्ट, इंग्लिश में बैश शब्द का मतलब है प्रयास, तो टू हैव अ बैश एट का मतलब होता है पहला प्रयास, पहले प्रयास को बोलते हैं टू हैव अ बैश एट। डॉक्टर सिन्हा इज हैविंग अ बैश एट दिस इलेक्शन, यानी कि पहला प्रयास है। नेक्स्ट हमारा आइडियम है टू हैव बैट्स इन वंस बेलफ्राई। इसका मतलब बेवकूफ होना। ही हैज बैट्स इन हिज बेलफ्राई टू प्ले क्रिकेट ऑल द डे, ये बेवकूफ होने को बोलते हैं टू हैव बैट्स इन वंस बेलफ्राई। नेक्स्ट हम देखते हैं टू सेल वन अ बार्गेन। देखो सेल तो बेचना और बार्गेन होता है कंसेशन, यानी टू सेल वन अ बार्गेन का मतलब किसी को आपने बार्गेन करके कोई सामान बेच दिया, लेकिन वास्तव में देखो बार्गेन कुछ होता ही नहीं है, वो तो दाम को ज्यादा करके कम कर देते हैं बस, यानी किसी को बेवकूफ बना देते हैं। टू सेल वन अ बार्गेन का मतलब होता है किसी को बेवकूफ बना देना। नेक्स्ट हमारा है टू मेक द बेस्ट ऑफ द बैड बार्गेन। देखो बेस्ट का मतलब सबसे बढ़िया और बैड का मतलब बुरा, यानी कि बुरे समय में भी बहुत कुछ अच्छा कर देना, इसको बोलते हैं टू मेक द बेस्ट ऑफ अ बैड बार्गेन। आपत्ति को हंसते हंसते झेलना। ही ऑलवेज मेक्स द बेस्ट ऑफ अ बैड बार्गेन, यानी कि बुरे समय में भी वो बहुत अच्छे से रहता है। ही मेक्स द बेस्ट ऑफ अ बैड बार्गेन। नेक्स्ट हमारा है टू बेयर वंस हर्ट। हर्ट द दिल, और बेयर होता है खोलना, बेयर शब्द का मतलब यहाँ पे खोलने से है, तो अपने दिल को खोलने की, अपने दिल की बात को बताने को बोलते हैं टू बेयर वंस हर्ट। नेक्स्ट है टू स्ट्राइक अ बार्गेन। बार्गेन हम दुकान पे जाते हैं, बहुत बार बार्गेन करते हैं,
और सौदा पक्का हो जाता है। सौदा पक्का करने को बोलते हैं टू मेक टू स्ट्राइक अ बार्गेन। बार्गेन स्ट्राइक करना मतलब बार्गेन स्ट्राइक करने का मतलब बार्गेन पक्का कर देना, यानी कि डील फाइनल करने को बोलते हैं टू स्ट्राइक अ बार्गेन। नेक्स्ट हमारा है टू फॉरबिड बैंस। फॉरबिड का मतलब होता है मना करना। शादी के खिलाफ, कोई शादी हो रही है, मना करना। फॉरबिड का मतलब होता है मना करना। टू फॉरबिड द बैंस का मतलब होता है किसी शादी के ऊपर आपत्ति होना, मना करना, किसी विवाह पर आपत्ति करना। व्हेन शी ट्राइड टू मैरिड अ डांसर, हर फादर फॉरबिड द बैंस। जब उसने एक डांसर से शादी करने के लिए कहा तो उसने उसके पिता ने शादी के ऊपर आपत्ति जताई, उनकी फॉरबिड द बैंस। नेक्स्ट हमारा जो इडियम है वो है नॉट टू बी टच्ड विद अ बार्ज पोल। इसको याद रखना है, अनटच आ रहा है ना, टच तो अनटचेबल, अछूत को बोला जाता है। नॉट फिट टू बी टच्ड विद अ बार्ज पोल, इसको बोलते हैं अछूत। सम कास्ट्स वर कंसीडर्ड टू बी नॉट फिट टू बी टच्ड विद अ बार्ज पोल इन एंशियंट सोसाइटी, यानी कि अनटचेबल है। नॉट फिट टू बी टच्ड विद अ बार्ज पोल, यानी बार्ज पोल यानी कि अनटचेबल। इस वीडियो के अंदर हमारा लास्ट हमारा एडिमेंट फ्रेज है वो है टू क्लाइंब जंप ऑन अ बैंड वेगॉन, यानी कि किसी गलत आदमी का साथ देना, इनडायरेक्ट साथ देना, किसी को स्पष्ट नहीं, साफ साफ नहीं, आप इनडायरेक्ट साथ देते हो, उसको बोलते हैं टू जंप ऑन द बैंड वेगॉन। एवरीवन क्लाइंब जंप्ड ऑन द बैंड वेगॉन एंड मेड हिम विन द इलेक्शन। इनडायरेक्ट साथ देने को बोलते हैं टू जंप ऑन द बैंड वेगॉन या क्लाइंब ऑन द बैंड वेगॉन। तो ये हमने काफी सारे इडियम फ्रेजेस पढ़े इस वीडियो के अंदर। टू सेट बेट का मतलब फंसाना, टू कीप द बॉल रोलिंग का मतलब लगातार काम करते रहना, ऑन द बॉल का मतलब वेरी अलर्ट, टू हैव द बॉल एट वंस फिट का मतलब सक्सेस के रास्ते पर होना, टू क्लाइंब जंप ऑन द बैंड वैगन का मतलब इनडायरेक्ट साथ देना किसी का, टू फॉरबिड द बैंस का मतलब शादी के ऊपर आपत्ति करना, टू बेयर वंस हार्ट का मतलब अपने दिल की बात बताना, टू स्ट्राइक अ बार्गेन का मतलब होता है डील पक्की कर लेना, टू मेक द बेस्ट ऑफ द बैड बार्गेन का मतलब बुरे समय में बहुत अच्छा कर लेना, टू सेल वन अ बार्गेन का मतलब किसी को बेवकूफ बनाना, नॉट फिट टू बी टच्ड विद द बार्ज पोल यानी कि अछूत अनटचेबल, टू हैव अ बैश एट यानी कि पहला प्रयास, पिक ऑफ द बास्केट यानी कि बेस्ट, टू हैव द बैट इन वन स्पेल फ्राई यानी कि बेवकूफ होना। तो ये सब हमने इडियमेंट फ्रेजेस पढ़े हैं, आगे हम कवर करेंगे और इडियमेंट फ्रेजेस को। थैंक यू।